Okay, Guji. जब ये साथ में है तो मेरी जरूरत ही नहीं थी। आप इस एरिया के सबसे अजीब हस्ती जो है ना मेरे ख्याल में, इसमें एजुकेशन के हमने जो हाथ से ताले बजाने के स्कूल का उनका लाजी तोड़ जो एचओडी हैं नर्सिंग कॉलेज की पठानकोट से, उनकी जितने भी टीम के मेम्बरान की समाज के लिए काफी कंट्रीब्यूशन, महा साहब और उनके स्कूल के जितने भी, और मैं कहना चाहूंगा कि भद्रवा के लोगों तमाम मस्तूरों में करनी और तमाम मस्तूरों तक के पैगाम पहुंचाना, तमाम मस्तूरों में करनी और तमाम मस्तूरों तक के पैगाम पहुंचाना। मैं यहां पर आए हुए हमारे एसपी सर भद्रवा के जो है मिस्टर मीर आफ्ताब आलम सर और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, बॉयज हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है मोहम्मद हनी सर, उनका तह दिल से सुभिंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना टाइम यहाँ पे हमारे लिए निकाला। 10-15 मिनट जो भी आप हमें देंगे तो उसमें हम बच्चों को बताएंगे कि जैसे कि पहले तो हमारा जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो माता पिता होते हैं, बच्चों को वो गाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। दूसरे गुरु जो होते हैं वो उनके स्कूल के टीचर्स होते हैं जो उनको बताते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो इसके लिए हमने कैरियर काउंसलिंग रखी हुई है जिसमें हम बच्चों को हमारे जो ग्रुप में जो कोर्सेज हैं उनके बारे में उनको रूबरू करवाएंगे, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रवीण सर को स्टेज पर वेलकम करती हूँ कि वो आकर हमारे सुजिंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन कौन से कोर्सेज हमारे कॉलेज में हैं। बीडीसी चेयरमैन जो यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं श्री ओमेचंद जी, उनके साथ के साथ साथ महफिल की खुश तशरीफ फरमा हमारे एडीसी भद्रवा जनाब चौधरी दिलवीर साहब, वही तशरीफ ला चुके से दरख्वास्त है कि वो वेलकम सॉन्ग पेश करें प्लीज। Thank you.
रहा हूँ, वहाँ पे जो बच्चों के जरिए से शिकायत आती है हमारे पास इसी एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड जो होती है, उसका मुझे खासा तजुर्बा है। मैं थोड़ी सी वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो आप बच्चों ने कि ये जो है ये तो रिकग्नाइज भी है BDSDP की। अगर आपको चौथे साल में ये पता चलता है कि BDSC डिग्री जो ऑफर करते हैं ये रिकग्नाइज है, फिर सोचिए आप आपके कैरियर का क्या बनता है। मुझे याद है उस वक्त वहाँ मेरे ख्याल में बिहार में कि यूपी में एक लकीली गवर्नर थी जो लेकर एडमिशन लेते हैं फिर वहाँ इंटरनेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं होगा, आप जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी चेयरमैन नसीम महमूद का उनके बाद बात करना चाहूंगा हिमायत समिति से वाबस्ता जनाब कुलदीप कुमार अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो प्लीज इस अजीब काम को बाज़ाब्ता तौर पर सही मामलों में अगर लोगों तक पहुंचने का काम बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में माइक देना चाहूंगा राशि दीगर सरपंच साहिबान, मैं दिल की उम्मीद गहराई से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक शेर यहाँ पे सर से कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे SP सर काफ़ी शौकीन हैं इन चीज़ों के। आपके आने की आमद में हमने अपनी आँखें फर्श राह की हुई थी और आप आए तो बाहर आ गई। अब मैं राना सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी हमारा भरपूर साहब जिनकी काफी मेहनत और काविश यहाँ पर पूरी टीम के साथ बनी रही, प्लीज दो तशरीफ लाएं और मोमेंटो जो है वो हासिल करें। उसके बाद में राम जी के बाद तैयब जी आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस करियर प्रोग्राम में करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में हमारा हमें मोटिवेट बताया और अपना उन्होंने शेयर किया एक्सपीरियंस कैसे रहता है। मैं एक दो चीज़ें करना चाहूँगा जैसे कि सर ने भी बताया कि यहाँ पे गैदरिंग कम है, ये एक सबसे बड़ा ये लगा भी लगा उसका सर रीज़न ये था कि ये हमारा प्लान जो था वो बड़े शॉर्ट टाइम में हुआ और ये कहाँ पर मेरे अभी तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है जो मैं अपने कैंपस की वजह से इस स्टेज पर यहाँ पर आप सबके सामने खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कैंपस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा।
थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ लैम कल से। बेसिकली मैं भद्रवाह से ही हूँ, लोकल सरोबार से। तो जब मैं 11th में हुआ करता था, मेरे 11th जो है वो बॉयज हायर सेकेंडरी से हुई है। तो जब मैं 11th में स्टडी कर रहा था तो मेरा उस टाइम में कोई मोटिव नहीं था, मतलब मेरा कोई फिक्स गोल नहीं था। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी क्या सोचता था कभी क्या सोचता था, ये करूँगा वो करूँगा। तो फिर मैंने, मुझे मतलब बचपन से शौक था ये सब करने का, मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। तो मैंने फिर चूज़ किया अपना साइंस स्ट्रीम। तो मैंने सोचा कि मैं साइंस स्ट्रीम में ही चला जाऊँ, उसमें काफ़ी स्कोप भी है मेडिकल लाइन में, क्योंकि आने वाले टाइम में देखा जाए तो जैसे कि हमारे जम्मू में एम्स जिसका भी काम चल ही रहा है विजयपुर में, तो अगले शायद 1 ईयर में उसका जो है न्यू ग्रेजुएट स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने स्कोप देखकर, जिसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे फादर जी का रहा जो यहाँ पे हमारे सामने है। बाकी मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप आए हुए हैं तो हमने लंच वगैरह का प्रोग्राम, ताकि एक बच्चा अपना करियर के लिए एक अच्छा सा रास्ता ढूंढ ले। फॉर्म आएंगे तो वो तो वही।